नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके स्टोर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं रिट एग्ज़ाम जो कि 11 फरवरी को होने वाला है, और इस वीडियो में हम आपको इसकी जो मेरिट का जो निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा उसका पूरा सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और हमारे कुछ दोस्तों ने इससे संबंधित कुछ कॉमेंट्स भी किए थे कि सर एग्ज़ाम एक होगा या दो होगा, इसका मेरिट का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, हम आपको इसके प्रूफ के साथ इसका जो मेरिट का प्रोसेस रहेगा वो इस वीडियो में उसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं प्रदेश में चौथी बार होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। 6 नवंबर से इसके आवेदन शुरू होने वाले हैं और 11 फरवरी को आपका रिट का एग्ज़ाम होगा। और सभी यह जानने के लिए और इसके लिए कि इसका जो मेरिट का जो निर्धारण है वो किस प्रकार से किया जाएगा, तो इसमें इस बार भी वही प्रोसेस अपनाया जाएगा जो इससे पिछली वाली भर्ती में था 70 और 30 का। तो न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले रिट के 70% अंक जुड़ेंगे, ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सीकर के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ मुझे मिली है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर BSTC एवं BEd डिग्री धारियों के लिए प्रदेश में चौथी बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगा। परीक्षा अगले साल 11 फरवरी को होगी। 6 नवंबर को ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इस बार होने वाली पात्रता परीक्षा के 70% अंक ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में जुड़ेंगे, जो कि पिछली बार भी यही था, इसलिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। NCTE की ओर से जारी गाइडलाइन में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 60% अंक निर्धारित किए हैं। तो सबसे पहले हम उसी बात पर बात करते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। रिट भर्ती के लिए फर्स्ट लेवल की अगर बात करें तो उसमें 12th की परसेंटेज का 30% लिया जाएगा और रिट एग्ज़ाम का 70% लिया जाएगा। और उसी तरह से रिट के सेकेंड लेवल की बात करें तो उसमें 70% मार्क्स आपके रिट एग्ज़ाम से लिए जाएंगे और 30% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन की जो आपकी मार्कशीट है, जो आपके परसेंटेज बन रहा है उसका 30% आपका लिया जाएगा। तो बात वही है जो लास्ट ईयर रिट की वैकेंसी में जो प्रोसेस अपनाया गया था वही इस वैकेंसी के लिए अपनाया जाएगा। आप इस न्यूज़ में देख सकते हैं 70-30 का वही प्रोसेस इसमें अपनाया जाएगा। अब न्यूज़ में जान लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। पिछले वर्षों में आयोजित की गई पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अंकों में छूट देने के कारण विवाद बढ़े थे और मामला हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस बार रिट परीक्षा में न्यूनतम अंक 60% निर्धारित किए हैं। इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन हम आपको दे चुके हैं। इस बार होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रदेश के करीब 8 लाख BSTC एवं BEd अभ्यर्थियों की शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। 8 लाख विद्यार्थी इस एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं। पिछली बार 2015 में आयोजित की गई रिट परीक्षा में करीब 5.5 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, लेकिन परीक्षा 2 वर्ष के अंतराल में होने के कारण इस वर्ष संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। वहीं अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में ज़्यादा शुल्क चुकाना होगा, जो कि 400 रुपये से बढ़कर 550 रुपये तक कर दिया गया है। और साथ ही प्रथम स्तर तथा दोनों स्तर के लिए 600 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया। इसके बारे में हम आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं हमारे पिछले वीडियोस में, आपने देखा होगा शुल्क के बारे में हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें किस प्रकार से हम विद्यार्थियों से 50 रुपये एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं 3 संस्थाओं के विकास के लिए। और अब आपका रिट की वैकेंसी को मेरिट के लेकर आपके जो डाउट थे, जो कंफ्यूजन थे, वो सब उम्मीद है दूर हो गए होंगे। फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप हमें हमारे साथ उसको शेयर कर सकते हैं, और इससे संबंधित हमें और कोई अपडेट मिलेगा तो उसकी सूचना आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।